हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ में हमारा यूनिट नंबर 9 अप यू गो। हमने अगले वीडियो के अंदर जो ये यूनिट में संगीता मैम का जो माउंटेनियरिंग कैंप के अंदर जो लास्ट डे था वो हमने देखा था, और वो एक स्पेशल गेस्ट से मिले थे, उनका नाम था बचेन त्रिपाल, जो हमारे इंडिया में फर्स्ट वुमन जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी। और अब उसके बाद हमें देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि इमेजिन एंड राइट, इमेज करना है और लिखना है कि यू आर ऑन अ माउंटेन। आपको ऐसा इमेज करना है कि आप एक माउंटेन यानी कि पहाड़ पर हो। हाउ डू यू फील देयर, आपको वहाँ पर कैसा फील होगा। व्हाट कैन यू सी, आप क्या देखेंगे। व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर, और आपको वहाँ पर क्या करना पसंद आएगा वो आपको लिखना है। जैसे कि हम पहाड़ पर है तो हमें बहुत ही एक्साइटमेंट होता है और वहाँ पर से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जो हमें छोटी छोटी दिखती है। तो हमारा आंसर है कि आई फील एक्साइटेड। हम वहाँ पर एक्साइटेड होंगे, बहुत ही मुझे एक्साइटेड फील होगा। I can see blue sky. वहां पर से मुझे नीला आसमान दिखेगा। Around me, मेरे चारों ओर नीला आसमान दिखेगा। और I feel like I am I am at the top of the world. मुझे ऐसा लगेगा कि वर्ल्ड के जो टॉप सबसे ऊंचे जो स्थान पर है वहां पर मैं हूं। तो यहां पर है मुझे बहुत ही एक्साइटेड फील होगा और मेरे आसपास जैसे कि नीला आसमान वैसा मुझे लगेगा। आई फील लाइक आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और मुझे ऐसा एहसास होगा कि मैं जो वर्ल्ड के टॉप सबसे ऊंची जगह पर हूँ। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। उसके बाद में दिया हुआ देखो, अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, ये स्टोरी दी हुई है। अलोन ऑन द माउंटेन टॉप मतलब माउंटेन की जो टॉप वाला हिस्सा है वहां पर, जो टोच वाला हिस्सा है वहां पर अकेले। अब ये स्टोरी हमें जो बचेन त्रिपाल थी उसके बारे में हमें दी हुई है, तो मैं एक्सप्लेन आपको करवाऊंगा। यहाँ पर एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल लिविंग इन द माउंटेन्स वॉज आउट ऑन अ स्कूल पिकनिक। शी क्लाइम्ब अ माउंटेन पीक ऑफ 4000 मीटर्स विद हर फ्रेंड्स। तो जो 12 साल की जो गर्ल है वो क्या करी, स्कूल पिकनिक में पिकनिक के अंदर गई थी और वो अपने फ्रेंड्स के साथ 4000 मीटर्स तक वो ऊपर चढ़ गए थे। तो कहाँ पर, माउंटेन के ऊपर। द गर्ल हैड डन थिस फॉर फन एंड एडवेंचर। तो ये गर्ल ने उन्हें ये 4000 मीटर तक चढ़े तो वो सिर्फ एक फन मजे के लिए ही चढ़े थे और एक साहसिक कार्य के लिए चढ़े थे। Soon it was dark and they could not come down. It was also cold and scary. They were alone without any food and it was a long night. तो फिर बाद में वो ऊपर चढ़ गए तो शाम अंधेरा हो गया और फिर उनको वहाँ पर बहुत ही ठंडी लगने लगी और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और रात भी लंबी थी। This happened to बचेन त्रिपाल play with when she was a young girl. ये बचेन त्रिपाल को जब वो 6 साल की थी, 12 साल की थी, तब उनके साथ ऐसा हुआ था। आगे बोला कि बचेन ग्रू अप इन नागपुरी विलेज इन द गरवार एरिया ऑफ उत्तराखंड। तो बचेन त्रिपाल का जन्म कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड के जो गरवार एरिया है वहाँ पर नागपुरी विलेज के अंदर हुआ था। व्हेन शी ग्रू ओल्डर शी जॉइंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। हर गाइड वाज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। बचेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग। शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमन इन माउंटेनियरिंग कोर्सेज इन 1984। बचेंद्री वॉज सिलेक्टेड एज ए टीम मेंबर टू
क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। तो हमने देखा कि जो बचेंद्रीपाल थी उसका जो जन्म कहाँ पर जो उत्तराखंड से वहाँ पर नकोरी विलेज में हुआ था। उसके बाद वो उन्होंने जो नेहरू इंस्टीट्यूट है उनके माउंटेनियरिंग के लिए नेहरू इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी। उसके बाद रहेंगे उन्होंने जो वुमन को माउंटेनियरिंग सिखाने का कोर्स भी शुरू किया था और 1984 में वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जो टीम थी उसमें वो सिलेक्ट हुए थे। आगे बोला है स्नो स्टॉर्म मतलब बर्फ का तूफान। देयर वेर 7 वुमन इन दैट 18 मेंबर्स टीम। ऑन द नाइट ऑफ 15 मे द टीम वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर हैविंग रीच अ हाइट ऑफ 7,300 मीटर्स। यहाँ पर बोला है कि जो वो लोग माउंट एवरेस्ट की जो टीम थी उसमें से वो 18 लोग थी उसमें से 7 गर्ल थी। आगे बोला है कि अब डेट क्या है 15 मे। उस दिन वो लोग बहुत ही थके हुए थे क्योंकि उस दिन उन्होंने 7,300 मीटर्स तक का सफर तय किया हुआ था। तो द टीम पुट अप देयर टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप। सब टीम वाले जो अपना टेंट है वो लगा कर सो गए। अराउंड मिडनाइट दे हर्ड अ लाउड साउंड एंड देन अ बेल। मिडनाइट जब मध्यरात हुई तब उनको एक बहुत बड़ी आवाज सुनाई दी। बिफोर दे वर फुल्ली अवेक वो पूरे जाग जाते उससे पहले द टेंट फ्लू ऑफ मतलब टेंट उड़ गए हवा में उड़ गए। एंड समथिंग वेरी हैवी इन देम और कुछ ऐसी भारी चीज उनके साथ टकराए। देयर वॉज अ टेरिबल स्नो स्टॉर्म मतलब वो टेरिबल एक बहुत ही भयानक जो स्नो स्टॉर्म है वो था। आगे बोला है स्नो स्टॉर्म यानी कि जो बर्फ का तूफान उनके साथ टकराया। बचेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द स्नो एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड। तो बचेंद्रीपाल जी वो पहले से लगभग बर्फ के अंदर घुस गई थी जैसे कि बर्फ उसी के ऊपर जो चादर बर्फ की चादर आती है उसके नीचे वो घुस गई थी वैसे घुस गई थी। आगे बोला कि वॉज हर्ट ऑन द हेड और उसके जो सिर पे भी थोड़ी चोट आई थी। मैनी ऑफ द टीम मेंबर्स वेर ऑल्सो इंजर्ड जो टीम मेंबर्स में से बहुत सारे जो मेंबर थे वो इंजर्ड हुए थे। द अदर्स यूज स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग आउट दोज हु हैड बीन बरीड अंडर द स्नो। जो दूसरे लोग थे वो जल्दी से बाहर निकल गए और जो कुल्हाड़ी के सॉरी यहाँ पर एक्सिस और जो स्नो पिक्स के एक्सिस के जरिए खोदने लगे वहाँ पर से गड्ढा और वहाँ पर से सारे जो नीचे बरीड हुए थे नीचे रह गए थे बर्फ के नीचे उन लोगों को बाहर निकालने लगे। द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैंप बट बचेंद्री वेंट अहेड। तो टीम मेंबर्स में से सारे लोग क्या करने लगे रिटर्न कैंप जो कैंप था वहां पर चलने लगे बट बचेंद्रीपाल आगे बढ़ने लगे। क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टीडली टुवर्ड द पीक वो आराम से चल रही थी बट वो उनका निशान उनकी मंजिल वो टोच पर थी वो टोच की ओर आराम से चल रही थी। इट वॉज 7 मिनट्स पास्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून ऑफ 23rd May व्हेन बचेंद्रीपाल स्टेप ऑन टू द पीक ऑफ 8,900 मीटर हाई माउंट एवरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड सागरमाथा इन नेपाल। तो 1:07 पर यहाँ पर बुलाया दोपहर को 23rd May को जो बचेंद्रीपाल थी वो अपना पैर 8,900 मीटर तक चली और अपना पैर टोच पर रखा और उसको नेपाल में बोला जाता है जो एरिया के अंदर उसने पैर अपना रखा वो एरिया को बोला जाता है सागर माथा। देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विथ हर उसके साथ दूसरे भी टीम मेंबर थे। देयर वॉज नो स्पेस फॉर टू पीपल टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ एट द सेम टाइम। वहां पर जो टॉप का जो एरिया था वहां पर दो लोग खड़े नहीं रह सकते थे वहां पर सिर्फ एक लोग ही वहां पर खड़ा एक ही इंसान खड़ा रह सकता था।
One slip and they would fall straight down 1,000 feet below. अगर वहाँ पर दो लोग खड़े रहे तो एक स्लिप हो जाता है और भी हजारों फुट नीचे वो गिर जाता है. Bachendri and her teammate dug into the snow and pitched their axes firmly in the ice. तो Bachendri Pal और उसके जो मेंबर थे उन्होंने क्या किया? वहाँ पर एक गड्ढा खोदा और एक्सिस के जरिए वहाँ पर खड़े रहे. Using this as a hook, they tied themselves to it with a rope. वो अपने आप को रोप के साथ बांध लिया. Only then two of them could stand there. उनमें से वहाँ पर दो लोग वहाँ पर खड़े रहे. She was shivering with cold but filled with the warmth of achievement. उनको शिवरिंग मतलब ठंडी सी कम करना जो कंपन सी महसूस हो रही थी, बट ये उन्होंने अचीवमेंट की तो उससे उन्हें गर्मी भी अच्छी मिल रही थी. She bore her head pitch the national flag and took photographs. तो उन्होंने क्या किया? Bore head मतलब अपना सीट वहां पर रखा, जैसे सर्दी के अंदर सी रखते वैसे. फिर उसके बाद अपना जो नेशनल फ्लैग है वो लहरा है और थोड़े फोटो भी उन्होंने लिए. She spent 43 minutes on the highest peak in the world. उन्होंने जो सबसे वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट पीक है वहाँ पर उन्होंने 43 मिनट्स बिताए. Bachendri Pal बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन एंड द फिफ्थ वुमन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट. तो Bachendri Pal की जो वर्ल्ड में फिफ्थ नंबर की और इंडिया के अंदर फर्स्ट नंबर की वुमन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी. तो बच्चों यहाँ पर हमने Bachendri Pal की जो स्टोरी थी वो हमने पूरी की. अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक फोटो दिया हुआ है. देखो जैसे टोर्च पर सब लोग खड़े हैं और वहाँ पर इंडिया का फ्लैग लहरा रहे माउंटेन पर. सब लोग जब टोर्च पर पहुँचते हैं तो ऐसे ही फ्लैग लहराते हैं. अब उसके बाद हमें थिंक क्वेश्चन आंसर दिए हुए. यहाँ पर बोला है कि व्हाई डिड Bachendri पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक. पीक मतलब टोर्च पर. तो Bachendri Pal ने टोर्च पर इंडिया का फ्लैग क्यों लहराया? तो इसलिए लहराया क्योंकि वो सम्मान की बात है, इसलिए सम्मान करने के लिए हमारे इंडिया का उन्होंने फ्लैग लहराया. तो यहां पर हमारा फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे ई ऑनर ऑफ अवर कंट्री. ये हमारी कंट्री का ऑनर और ऑफ अवर इन ऑनर ऑफ अवर कंट्री. ये हमारी कंट्री का सम्मान है. Bachendri पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक. Indian flag on the field. मतलब टोर्च के ऊपर इन्होंने इतना जो इंडियन फ्लैग वो लहराया क्योंकि वो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही सम्मान की बात है इसलिए. तो बच्चों आप इसका आंसर लिख दो. उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हेन हैव यू सीन आवर नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड. लहराते मतलब लहराना. हमारे नेशनल फ्लैग को आपने कब लहराते हुए देखा है? कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग और हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. तो यहाँ पर मैं फर्स्ट का आंसर आपको लिखवाता हूँ. जैसे कि हमने रिपब्लिक डे और जो इंडिपेंडेंस डे है उस टाइम हमने हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो लहराते हुए दिखाया है. दूसरा भी कि अवर नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन अनदर मोमेंट्स ऑफ द नेशनल प्राइड. जैसे हमारे नेशनल प्राइड और दूसरी भी जो नेशनल लेवल की जो प्रोसीजर होती है उसमें भी हमारा जो तिरंगा है वो लहराया जाता है. तो हमारा सेकंड आंसर है
सेकंड आंसर में हम लिख सकते हैं कि बिसाइड रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, बिसाइड जो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे है वहां पर हमने हमारा फ्लैग लहराता हुआ देखा था। आवर नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन आर होस्टेड ऑन दूसरे कप, अब कप तो यहां पर है अदर मोमेंट्स ऑफ नेशनल प्राइड, मतलब जब नेशनल प्राइड की कोई दूसरा फंक्शन होता है उस टाइम भी हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो लहराया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो, करेंगे। उसके बाद का क्वेश्चन है Have you seen the flag of any other country? क्या आपने कई दूसरी कंट्री का फ्लैग देखा हुआ है? Where? कब? तो ये हमें लिखना है। तो यहाँ पर है, तो जैसे कि हम कोई गेम देखते हैं नेशनल लेवल की तब दूसरे कंट्री का फ्लैग देखते हैं, यहाँ पर है कि यस इन चाणक्यपुरी दिल्ली वेर चाणक्यपुर, आगे बोला है कि दिल्ली में एम्बेसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर वहां पर जो दिल्ली के अंदर अलग अलग कंट्री के जो एम्बेसी से वहां पर क्या होता है देखो अब कोई एम्बेसी से इसके कारण मैंने आई हैव सीन द फ्लैग ऑफ मेनी कंट्रीज, आई हैव सीन द फ्लैग ऑफ मेनी कंट्रीज, वहां पर मैंने बहुत सारी कंट्रीज के जो फ्लैग है वो हमने देखे थे। यहां पर हमारा एक वर्ड गलत है तो बच्चों ये आप आंसर लिखो, ये दिल्ली के अंदर अलग अलग तरह की एम्बेसीज है उसमें मैंने ये सब देखे थे, अलग अलग जो कंट्री है उसके फ्लैग देखे थे। उसके बाद हमें लास्ट में दिया हुआ है व्हाट वी हैव लर्न, ये यूनिट में हमने क्या क्या देखा और क्या सीखा वो हमें लिखना है। तो एक्सप्लेन व्हाई इट कैन बी एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग टू क्लाइंब अ माउंटेन, तो माउंटेन पर चढ़ना
वो एडवेंचरस मतलब साहसिक और चैलेंजिंग टफिंग क्यों चैलेंजिंग क्यों है वो हमें फाइंड करना है, एक्सप्लेन करना है उसके बारे में। हाउ वुड यू प्रिपेयर इफ यू वेर टू क्लाइंब अ माउंटेन, अगर आप माउंटेन पे जाए आप जाने वाले हो तो आप क्या क्या प्रिपेयर करोगे, जैसे कि फूड आइटम है, हमारे जो बैग हमारी बैग्स पैक है उसमें सारा जो सामान है वो हम पैक करेंगे, फिर जो ऑक्सीजन बॉटल है वो सब हम फिल करेंगे। वॉट वुड यू टेक विथ यू, आप अपने साथ क्या लोगे, राइट इन योर ओन वर्ड्स, ये आपको अपनी तरह से लिखना है। बट मैं आपको एक फोटो के जरिए यहाँ पर दिखाऊंगा उसका जो क्वेश्चन है उसका जो मैं आंसर यहाँ पर मैं आपको फोटो में दिखाऊंगा और फिर वहाँ पर से आपको लिखना है। देखो यहाँ पर उसका आंसर है कि माउंटेन्स ऑफर्स मैनी चैलेंजेस लाइक रफ टेरेन, हाई एल्टीट्यूड, रेयर एयर विच मेक इट अ डिफिकल्ट टास्क टू क्लाइंब अ माउंटेन। तो माउंटेन पे चढ़ने के लिए हमें बहुत सारे चैलेंजिंग, जैसे कि कौन सी चैलेंजिंग, जैसे कि रफ टेरेन, अलग अलग तरह की जगह, वहाँ पर रफ भी जगह होती है, हाई एल्टीट्यूड, फिर रेयर एयर विच मेक इट अ डिफिकल्ट टास्क टू क्लाइंब माउंटेन। तो ये सारी चीज़ें जो हमें माउंटेन पे चढ़ने से डिफ़िकल्ट होती है। आगे बोला है कि ड्यू टू डिफिकल्टीज इन्वॉल्व क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज एडवेंटेजस एंड चैलेंजिंग। ये डिफ़िकल्टी के कारण जो माउंटेन पर चढ़ना है, पहाड़ पर चढ़ना एक जो एडवेंटेजस साहसिक और चैलेंजिंग काम है। आगे बोला है आई विल डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिफोर अ एक्चुअल क्लाइंब, अगर मुझे यहाँ पर से चढ़ना है तो वहाँ पर से मैं एक्चुअल में बहुत ही जो क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना है तो उससे पहले मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करूँगा। आगे बोला है आई विल टेक ऑल द माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, नेसेसरी फूड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर विथ मी, अगर मुझे वहाँ पर जाना था मैं मेरे साथ कौन सी चीज़ें लूँगा, जैसे कि माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, नेसेसरी फूड, जो माउंटेनियरिंग के लिए जो जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो मैं लूँगा, मेरे लिए ज़रूरत वाला फूड लूँगा, मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ एंड ऑक्सीजन सिलेंडर विथ मी, और मेरे साथ में ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो भी मैं ले लूँगा। तो बच्चों इसका आंसर आप हाँ, तो बच्चों यहाँ पर मैंने सारे आपको क्वेश्चन के आंसर लिखवा दिए। आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन के आंसर मैंने सारे यहाँ पर लिखवा है वो सारे अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों आज हमारा यहाँ पर यूनिट फिनिश हुआ, नेक्स्ट अगले वीडियो में हमारा जो नया यूनिट है उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।